बाहर का मौसम देखो, बारिश का माहौल। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड माय ब्लॉग। दिस इज सेठी और आज है वाराणसी का डे थर्ड। आज हमें निकलना है, बट निकलने के पहले हम जाएंगे वाराणसी के एक ऐसे टेम्पल में जहाँ हम अभी तक नहीं गए हैं। इट्स नेपाली मंदिर ऑफ वाराणसी। और उसके बाद कलेक्ट करेंगे साड़ियाँ जो कि हमने परसों ली थी, और उसका फॉल पिको एंड पॉलिश सब कुछ हो चुका है, तो वो आज कलेक्ट करना है। एंड देन आज निकलना भी है, तो आज बहुत सारा काम है। और बाहर का मौसम देखो, बारिश हुई है पूरी रात, ठंड बढ़ गई है बट हवा नहीं लग रही अभी तक। और रात में बिल्कुल फॉग था हर तरफ, कुछ भी नहीं दिख रहा था धुंध बिल्कुल, बट अच्छा है यार, अच्छा मौसम लग रहा है मेरे को। तो फटाफट रेडी होकर निकलते हैं पहले मंदिर की तरफ, उसके बाद जाएंगे साड़ी कलेक्ट करने, एंड देन वी लीव फॉर बिहार। तो हम एक बार फिर से पहुंच गए गुधौलिया से आगे श्री शंकराचार्य द्वार के पास, और इस द्वार से होते हुए हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट, और दशाश्वमेध घाट से आगे हमें मिलेगा ललिता घाट जहां पे नेपाली मंदिर बना हुआ है। और फाइनली हम आ पहुंचे हैं ललिता घाट पे, और यही है ठीक ऊपर नेपाली मंदिर, और गंगा द्वार भी है यहाँ पर, और इसी के आगे मणिकर्णिका घाट जहाँ पर अग्नि कभी शांत नहीं हुई है। तो नेपाली मंदिर जाने से पहले हमने सोचा कि हम थोड़ी देर यहाँ बैठें, और हम गए भी। और इसके आगे आपको रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी दिख रहा होगा, वो ठीक इस घाट के आगे है, और इस घाट के पहले नेपाली मंदिर मिलेगा आपको। फेमस पशुपतिनाथ मंदिर, बट सीढ़ियां बहुत सारी है। तो हम बस नहीं जा रहे हैं अभी, और ये तो बिल्कुल नेपाल वाले पशुपतिनाथ जैसा ही है। राणा बहादुर शाह जो कि नेपाल के राजा थे, जब वो अपने एग्जाइल पीरियड में वाराणसी में रह रहे थे, तब इस मंदिर को उन्होंने बनवाया था, जो कि एग्जैक्ट रिप्लिका है नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का। आपके सामने है श्री शमरा जेश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, जिसे कंठवाला मंदिर, नेपाली मंदिर और मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर मेनली महादेव को समर्पित है। सो ब्यूटीफुल गर्भगृह है महादेव की।
डोर्स पे भी शिवलिंग बना रहा है। पार्वती हर हर महादेव। कमाल है ना, लकड़ी स्टोन टेराकोटा से क्या खूबसूरत मंदिर बनाया है। और इससे बेहतरीन क्या नजारा हो सकता है सामने गंगा में। और पीछे जब भी आप वाराणसी आए तो अपने नेक्स्ट विजिट में ललिता घाट पे स्थित ये नेपाली मंदिर जरूर घूमिएगा। यहाँ की वाइब बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स मैजिकल। नो डाउट इसका आर्किटेक्ट देख के समझ में आता है कि क्यों इसको मिनी खजुराहो भी बुलाते हैं। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट है इस पूरे टेम्पल का, मेस्मराइजिंग इज द वर्ड। और महादेव के मंदिर आए नंदी महाराज से मिले बिना कैसे जा सकते हैं। और मैंने भी अपनी छोटी सी विश नंदी महाराज को बता दिया। हमने फाइनली साड़ी कलेक्ट कर लिया है और अब जा रहे हैं स्वीट शॉप पे और यहाँ से थोड़ी बहुत स्वीट्स लेंगे और उसके बाद जाएंगे क्षीर सागर और फिर BHU फैकल्टी गेस्ट हाउस। यहाँ की मिठाई पापा को बहुत पसंद है और मम्मी को भी, इनफैक्ट सबको। वापस और बच रहे हैं दोपहर के दो, बट देख के ऐसा शाम के 4-5 बज गए हैं। इस बारिश हुई है ना आज तो बिल्कुल एकदम मोहर का ठंडा हो गया है और मैंने भी जैकेट पहनी है। वैसे मैं लेके नहीं आई जैकेट, एक ही लेके आई थी बिकॉज मुझे भी ठंड लग रही थी, बट आज हम सब पहन लो भैया कहीं तबियत ना ख़राब हो जाए बिकॉज पानी वानी भी चेंज होता है और यहाँ पर शोर बहुत होता है। देखो हमेशा बाइक गाड़ी कुछ ना कुछ जाता ही रहता है। तो अब सामान वामान हो गया है पैक, अब जा रही हूँ नीचे जो भी यहाँ का है टोटल होता है बिल्डिंग में, वो सबको निपटा के फिर हम निकल जाएंगे बिहार की तरफ। और साड़ियाँ भी लेके आ गए हैं तो आपको बिहार जाके दिखाऊंगी या फिर रास्ते में दिखाऊंगी या फिर अभी दिखाऊंगी मुझे नहीं पता, बट एक बार काम निपटा देती हूँ उसके बाद आपको साड़ियाँ दिखाऊंगी। कैल्टी गेस्ट हाउस जो भी हो यहाँ रुक के ना ऐसा फील होता है घर वाली भी नहीं आती हैं। तो अभी बिल बिल पे करके फिर सामान गाड़ी में रखूँगी एंड देन हम निकल चलेंगे अपने घर की तरफ और उसी बीच में आपको साड़ियाँ भी दिखाऊंगी टाइम मिला तो एंड ट्राई। चलो पेमेंट डन और अब आपको दिखाती हूँ साड़ी जो हमने यहाँ से ली है फ्रॉम सुविधा। जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम सुविधा से ही साड़ी लेते हैं, सुविधा था साड़ी मेरे को लगता है सबसे बेस्ट है। सिग्रा थाने पे उनका बहुत ह्यूज सा मॉल है जहाँ पे ब्राइडल वेयर गाउन सूट साड़ी सब कुछ होता है और बुधौलिया पे उनका शॉप है जहाँ पे साड़ीज एंड सूट होता है। अमेजिंग कलेक्शन, यू मस्ट विजिट वंस। वाओ, ये मम्मी के लिए, ये लिया मैंने खुद के लिए, ये एक मम्मी मतलब सासू अम्मा और एक मासी। एक बार घर जाके सारा खोल देता हूँ और ये देखो सुविधा साड़ीज यहाँ नीचे है, इनका नंबर ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये। और ये साड़ी भाभी ने लिया है, ये सारा मतलब भैया ने लिया भाभी के लिए। हल्का सा मिट्टी फैलते हैं, हाँ बस बस आपू का दांत टूट गया उसको हम यहाँ पे दबा रहे हैं, बचपन में हम लोग भी करते थे। चलो ठीक है चलते हाथ धो लेंगे। अब पूरा दान बनारस में ठीक है फिर अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।